हिंदुओं की ताकत बड़ी है, जाति से दूर होकर यदि पुश करें और सोचे कि भविष्य में एक बेहतर भारत का निर्माण होना है जो हिंदू राष्ट्र की तरह हो, जहां संविधान हिंदुओं को भी समानता का अधिकार देता हो, दुनिया का अकेला देश, बहुसंख्यक जहां अपने अधिकार के लिए जूझ रहे हैं कि हमें अल्पसंख्यक जैसे अधिकार दे दो माई बाप, हमें अल्पसंख्यक जैसे अधिकार दे दो, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार तक से गुहार लगा रहे हैं और सरकार कहती है तुम अपनी औकात में रहो, तुम अपने औकात में रहो। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं आप अपनी औकात में रहे, आपके पटाखे बंद, आपके होली बंद, आपके दूध चढ़ाना बंद, सुप्रीम कोर्ट आपके दही हांडी नापता फिरता है, सरकारें आपको 40 योजनाएं, मेरी ही सरकार 40 योजनाएं हरी टिड्डो के लिए ले आती है, हिंदुओं को जब चुनाव आता है थोड़े त्रिपुंड लगाकर जो है बस हिंदू को खुश कर दिया जाता है और हिंदू उसी में खुश हो जाता है, बाकी योजनाओं पे अगर धरातल पे सारी योजनाओं अल्पसंख्यक के लिए। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू को दबंग कह के अल्पसंख्यकों को बढ़ाया जाता है। तो आपको यदि लॉन्ग टर्म विजन चाहिए तो आपको ऐसे लोग चाहिए, ऐसे नेता चाहिए, हेमंत और योगी जैसे नेता जो खुलकर अपने कानून में योजना केंद्र भी हो, योजना अल्पसंख्यक के लिए बना रहे हैं, योगी योजना आपके लिए बना रहे हैं, कौन सा लब्जे के विरुद्ध 10 साल के जेल, इनको देखकर अब गुजरात और मध्य प्रदेश जहां दोनों भाजपा की 15 साल से सरकार है अब बना रहे हैं, वो आपके लिए कानून सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से लड़कर अध्यादेश गुंडों और मावालियों के पोस्टर टांग रहे हैं। तो योजना और कानून में हिंदुओं के लिए, ये सिर्फ यूपी में दिख रहा है, योजना और कानून में आपको किसी सरकार में नहीं दिख रहा, केंद्र सरकार में नहीं दिख रहा, सिर्फ आपको चुनावी दिख रहा है, चुनाव में नारे आपको लग रहे हैं, आपके लिए लग रहे हैं, लेकिन जाते ही स्लॉटर हाउस बंद कर देना उत्तर प्रदेश में मामूली बात नहीं थी, जाते ही बुलडोजर चलवा देना आजम खान जैसे मुख्तारों के घर पे। तो योगी योजना के रूप से वो आएंगे तो आप तय मानिए कि अनुच्छेद 25 से 30 में भी बदलाव होगा, जब जिस दिन वो केंद्र में आ गए, वो आ गए तो तय मानिए समान नागरिक संहिता झक मार के समान नागरिक संहिता लागू होगा, वो आ गए तो आप समझ लीजिए गोवध बंदी कानून देश में रहेगा, क्योंकि आते ही स्लॉटर हाउस बंद किया, अब केंद्र और बाकी जहां बंधा हुआ है, नहीं तो आप समझ रहे हैं वो आते ही आपको आपके शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने का अधिकार मिलेगा, वो आते ही जनसंख्या नियंत्रण कानून भी हो सकता है, लेकिन उनको तो मेजोरिटी दीजिएगा तब, नहीं तो दबके तो आरएसएस और ये सब तो वो तो फिर वो सेकुलरिज्म का ही बयार है, तो आपको फुल मेजोरिटी देना होगा यदि आप चाहते हैं कि चीजें बदले। तो योगी जी का जो पहिया है कल से चुनाव में, वो पहिया 2.5 के आर पार तो दिख रही है, पर उसको 300 ले जाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के हिंदुओं की है, वो धरती जहां भगवान राम हुए, वो धरती जहां भगवान परशुराम हुए, वो धरती जहां भगवान कृष्ण हुए, वो धरती जहां इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर राज्य हुआ, जहां वो धरती जहां देश मानवता की पहली राजधानी अयोध्या हुई, वो धरती जो मनु की धरती है, वहां भी अगर हिंदू ये काम नहीं करेगा तो फिर वो अपने आप को खत्म ही समझे, इसलिए 300 पार कराइए, योगी जी का रथ दौड़ेगा।